सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज अजय माकन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में हमने जो बिजली के दामों को घटा के दिल्ली में जो हमने बिजली को मुफ्त करके पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, उस पर उन्होंने कुछ बेबुनियाद सवाल खड़े किए हैं, बेसिर पैर के सवाल खड़े किए हैं। और जो बातें अजय माकन जी कह रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठ का पुलिंदा है, निराधार है। और मैं अगर ये कहूं कि बेअक्ल की बात है तो गलत नहीं होगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया कि दिल्ली के अंदर 8 रुपए 45 पैसे यूनिट बिजली मिल रही है। बड़ी अजीब बात है। या तो वो अखबार नहीं पढ़ते या दिल्ली सरकार के कामों के बारे में उनको जानकारी नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर अजय माकन जी झूठ का पुलिंदा लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। क्योंकि अगर आप 8 रुपए 45 पैसे यूनिट बिजली की बात कह रहे हैं तो दिल्ली में तो 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है। अब मुफ्त यूनिट, मुफ्त बिजली को जिसका 1 पैसे यूनिट भी हम दाम नहीं लेते, उस 0 यूनिट बिजली के दाम को 8 रुपए 45 पैसे यूनिट कहना, ये अपने आप में बेअकली की, मूर्खता की और झूठ के पुलिंदे को सामने रखने की बात है। और ऐसा मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक के बिजली के रेट को जस्टिफाई किया, ऐसा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के अंदर अजय माकन को अपने एक प्रवक्ता के रूप में इस्तेमाल किया। अब दिल्ली में बिजली के रेट क्या है और दूसरे राज्यों में बिजली के रेट क्या है, इसका कुछ मैं आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली का दाम है 0, यानी 0, यानी 1 भी रुपए आपको बिजली का दाम दिल्ली में 200 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं नहीं देना है। हरियाणा में 200 यूनिट बिजली का आपको 910 रुपए देना है, महाराष्ट्र में 1400 रुपए देना है, कर्नाटका में 1350 रुपए देना है, बिहार में 1310 रुपए देना पड़ता है, तेलंगाना में 882 रुपए देना पड़ता है, वेस्ट बंगाल में 1321 रुपए देना पड़ता है, मध्य प्रदेश में 1200 रुपए देना पड़ता है, पंजाब में 1320 रुपए देना पड़ता है, राजस्थान में 1588 रुपए आपको बिजली का बिल 200 यूनिट तक का देना पड़ता है, और दिल्ली में आपको 0 0 0 1 भी रुपए आपको 200 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। इसी प्रकार से 400 यूनिट तक बिजली अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हरियाणा में आपको 1820 रुपए देना पड़ता है, उत्तर प्रदेश में आपको 2480 रुपए देना पड़ता है, महाराष्ट्र में 3310 रुपए देना पड़ता है, कर्नाटक में 2910 रुपए देना पड़ता है, बिहार में 2950 रुपए देना पड़ता है, तेलंगाना में 2307 रुपए देना पड़ता है, वेस्ट बंगाल में 2946 रुपए देना पड़ता है, मध्य प्रदेश में 2430 रुपए देना पड़ता है, पंजाब में 2870 रुपए देना पड़ता है, राजस्थान में 3277 रुपए देना पड़ता है, और दिल्ली में 1075 रुपए देना पड़ता है। यानी 400 यूनिट तक का बिजली का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो बाकी जितने भी राज्यों का नाम मैंने लिया, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, बिहार हो,
तेलंगाना हो, वेस्ट बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, इन सबसे सस्ता सस्ती बिजली आपको दिल्ली में मिलती है, आधे से कम में मिलती है। ये हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया, नंबर एक। दूसरी बात, अजय माकन जी के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, नहीं हो तो जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। आज जिन बिजली की निजी कंपनियों को वो कोसने का काम कर रहे हैं, दरअसल बिजली की निजी कंपनियों को दिल्ली के अंदर लाने का काम ऊर्जा मंत्री के तौर पर कांग्रेस के नेता अजय माकन ने किया है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब कांग्रेस के समय में बिजली का दाम क्या था और आज बिजली का दाम क्या है? कांग्रेस के समय में 2010 से 2013 तक बिजली का दाम 100% बढ़ा था, और आम आदमी पार्टी के समय में 2013 से लेकर अब तक 2019 तक बिजली का दाम 100% घटा है। इसका भी मैं आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं।